आज के वीडियो में आपको प्रियंका और उनकी बेटी मालती के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड निक और अपनी बेटी मालती के साथ इंडिया के विजिट पर हैं। प्रियंका चोपड़ा को जहां डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करते हुए देखा जा सकता है, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने अब अपनी बेटी मालती के साथ सिद्धिविनायक टेम्पल विजिट करते हुए देखा गया है। प्रियंका की बेटी मालती लगभग 1 साल की है और 1 साल की उम्र में वो अपनी बेटी को सिद्धिविनायक टेम्पल लेकर गई, जहां पर उन्होंने आरती की और प्रियंका और मालती की सिद्धिविनायक टेम्पल के विजिट से वीडियोस और पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जहां पर उनकी इस वीडियोस और पिक्चर्स को बहुत पसंद किया जा रहा है। फैंस उनके इस रिलीजियस साइट को देखकर काफी खुश हो रही है। वहीं पर उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है और ट्रोल करने का रीजन फैंस ये बता रहे हैं कि जब वो सिद्धिविनायक टेम्पल जाते हैं तो उन्हें आरती के पास नहीं जाने दिया जाता है जब तक वो पैसे ना दें या उनकी पिक्चर लेना उन्हें अलाउड नहीं होता वहां पर जाकर, और उन्हें पिक्चर नहीं लेने दी जाती। लेकिन जब भी कोई सेलिब्रिटी वहां पर इस तरह से जाता है तो उन्हें आगे तक जाने दिया जाता है, उनका प्रॉपर फोटोशूट होता है, वहां से पिक्चर्स और वीडियोस सामने आती हैं और वहां पर वो एक VVIP प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं, ना उनके साथ किसी को आगे जाने दिया जाता है और उनको एक बिल्कुल अलग रूट से लेके जाया जाता है, जो बहुत गलत है। और इस पर अब फैंस और नेटिजन्स अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और वो प्रियंका को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ अपनी 1 साल की बेटी को लेकर जाने पर भी वो ट्रोल कर रहे हैं कि वो मालती को वहाँ पर क्यों ले गई और उन्होंने मालती को ठीक तरह से उठा नहीं रखा और रश में मालती को कुछ हो ना जाए। आपका इस सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।